गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन किचन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं हमारे होम टाउन से, दार्जिलिंग से हमारे रिलेटिव्स। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पापा के बड़े भैया है, मतलब पापा के ऊपर के जो भाई है, वो थोड़ा बीमार है हमारे बड़े पापा, सो उनको देखने के लिए हमारे होम टाउन से हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं देखने के लिए। उन सब लोग के लिए जो है शायद 7-8 लोग आएंगे, उन सब लोग के लिए लंच बनाना है। और लंच बनाने का मतलब जो है, तो 7-8 लोग आ रहे हैं तो उन सब लोग के लिए लंच बनाना है। एंड लंच बनाना मेरे लिए कोई टास्क नहीं है, लाइक इट्स ये नहीं कि मुझे लंच बनाना मुश्किल पड़ रहा है ये सब नहीं। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम जो है ना, मेरा बेटू है, क्योंकि उसको देखने के साथ साथ मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। और ये नहीं कि खाली खाना बनाना है, और गेस्ट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली घर को थोड़ा साफ़ सफाई भी करना पड़ेगा। साफ़ सफाई तो अकेले अकेले ये सब मेंटेन करना जो है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा जो है ना, सोच रही हूँ क्या क्या कर लूँ, क्या क्या ये प्लान कर लूँ। तो अभी पापा थोड़ा सा ये चिकन ये सब लेने के लिए दुकान गए हैं, बेटू और मैं घर में हैं, और पुक्कू स्कूल गई है आज क्योंकि सैटरडे उसका हाफ डे है। तो वही सोच रही हूँ कैसे हो पाएगा। और वो लोग दार्जिलिंग से सुबह सुबह निकल भी गए हैं, और अभी यहाँ पे वो लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और लंच अभी तक रेडी नहीं हुआ है, खाली अभी मैंने दाल चढ़ाया हुआ है। पापा बोल रहे थे कि 12:30 तक उन लोगों को लंच करवा के भेजना है। सो आई एम लिटरली, क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब ब्लैंक हूँ अभी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर साफ सफाई, और घर भी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों साफ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वही चीज़ है, अदरवाइज़ खाना बनाना इज़ नॉट अ टास्क फॉर मी। मैं बना सकती हूँ, अगर कोई आराम से बेटू देख देना तो मैं भाई साहब आराम से कर दूंगी सब कुछ काम। मेरा मेन प्रॉब्लम बेटू ही है, क्योंकि उसको देखते हुए जो है ना, मुझे काम करना बहुत मुश्किल होता है। और उसको हर एक मिनट दो मिनट में मम्मा आएगा, क्या करेगा मैं जो कर रहा हूँ, वो उसमें हाथ बटाएगा, हाथ लगाएगा। तो वाव, हवा कितना अच्छा चल रहा है गाइस। सो यहाँ आज का दिन थोड़ा सा यही बिजी होगा। यहाँ पे बेटे देखे, ओह माय गॉड, ही इज ट्राइंग टू ओपन दिस गेट। ये गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, चाबी लगे, भाई साहब दिमाग इसका। अभी इसने यहाँ से जेसीबी को जाती हुई देखा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना, कुछ दिन पहले ये म्यूनिसिपैलिटी का जो नया पाइप लगाने मैंने आप लोग को बोला था, तो यही पाइप खोदा हुआ है। तो अभी ये भर रहे हैं, भाई साहब ये देखिए। और ये हम लोगों का प्लांट है, देखिए। मेरे पापा जो है ना, फ्लावर्स से ज़्यादा, फूल से ज़्यादा ना, पापा को प्लांट्स ज़्यादा पसंद है। सो आप लोग देख सकते हैं पापा का क्रिएटिविटी। ये मेरे बेटू का दूध का डिब्बा, सिमिलैक का बियर का बॉटल, बियर का केन, ये देखिए पापा का क्रिएटिविटी। ये हम लोगों का बर्तन रखने वाला रैक, इसको भी देखिए, ये देखिए आप लोगों को पूरा दिखा देते, प्लांट्स इतना सारा है। ये देखिए हर किस्म का है, अंदर घर में भी है, ये बाहर में है। ये देखिए प्लांट्स ही प्लांट्स है, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन सा प्लांट्स है, लेकिन है घर में। ओके, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। ये बेटू लुती में काम कर रहा है ना, मैं दिखाई दी नो 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 नो, नो बेटू ब्लॉग करेगा मामा। ये चाबी रखूँ ना,
इसको बैलन मार से। यहाँ पे भी है प्लांट्स, ये देखिए पूरा बेटू का दूध का डिब्बा ना यहाँ पे यूज हुआ है। ये देखिए ऑल प्लांट लवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज आंवला, दिस इज सो पोकी गाइस, इतना ज्यादा दर्द होता ना, इतना ज्यादा पोक करता है ये। नो नो, घर का ये आम का पेड़ है, आम आ रहा है पूरा, अभी आम का सीजन आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पूरा आम गिर रहा है यहाँ पे पूरा आम आम की यो 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 अबे पोबेले मार्छ। ये तो डोटी पे तो डोटी ये खाई सके हो जो के भन्नु पर्छ, थैंक यू भन्दैन, थैंक यू भन्दैन। अब लग गया काम में, गाली खाएगा खुद भी और मुझे भी गाली खिलाएगा। ये देखिए इतना बदमाश दूसरे बच्चे भी होते हैं क्या? अब ये 3 साल का होने वाला है, सितंबर को 3 साल का होगा, इतने एज में इतना बदमाशी होता है क्या? दूसरे बच्चे भी ऐसे बदमाश होते हैं भाई साहब, मैंने तो किसी बच्चे को भी इतना बदमाशी करते हुए नहीं देखा। के बा ए आँखा में पोस्यो खै 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 आँखा देखो, ये देखिए इसका पापा जो जो करते हैं वो वही वही करता है। अभी मेन प्रॉब्लम ये है ना, अब इसके पीछे पीछे ऐसी लगी रहूं या मैं खाना बनाऊं या घर साफ सफाई करूं, नो आइडिया, नो आइडिया एट ऑल, यही है मेरा मेन प्रॉब्लम। इसको छोड़ के जाऊंगी तो फिर ये कुछ कर ना बैठे, अब खाना बनाने जाऊंगी क्या करूं मालूम ही नहीं है। सो यही है प्रॉब्लम गाइस, मुझे तो गेस्ट अगर घर में आते हैं रहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी लगता है, किसको खुशी नहीं होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन बस अगर एक जन हाथ बटाने को साथ हो तो थोड़ा मज़ा भी आएगा ना, काम करने में सुविधा होगा। अभी तो क्या पता, सुन लिया आप लोगों ने, बस यही है, यही है मेन प्रॉब्लम गाइस, यही है। हजार बार बुलाता है, हजार बार आता है की बा भाई, मोमा पाकी पाकी गर्नु गएको ल, गुड बॉय भएर बस है, नट्टी बॉय नहु है, म आइहाल्छु। पापा बोलते हैं मुझे तुम्हें तो अगर कोई गेस्ट आए तो वो पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं आने की बात नहीं है, प्रॉब्लम मेरा एक है, अगर वो थोड़ा सा समझ लेंगे पापा तो कितना अच्छा होगा ना, बेटी का अगर प्रॉब्लम समझ लेंगे पापा तो कितना अच्छा होगा, लेकिन वही है, लेकिन बस यस जो भी मैं करती हूँ अपने मन से अपने दिल से बहुत प्यार से करती हूँ,
तो इसमें जो है मुझे, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मैं खुशी खुशी कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों को मेरा थोड़ा सा जो मन का जो क्या बोलते हैं उसको, मन का जो मेरा जो मन की बात है आप लोगों को जो शेयर करना है, जो मैं पापा के साथ शेयर नहीं कर सकती वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस वही चीज है। तो नाउ लेट्स क्यों करे को ये देखिए क्या कर रहा है बेटू, फोबा के रूम में आके बदमाशी कर रहा है। ये देखिए एक्टिंग ना करो, डोंट डू एक्टिंग। इसे मालूम है ना ये मार खाएगा गाली खाएगा, इसीलिए पहले नाटक कर रहा है इनोसेंट होने का। साहब मुझे लगा कि बीटू कविता भौजू के साथ गया है, और अभी मैं नीचे से आया मुझे आवाज़ ऊपर में खुसफुस खुसफुस जैसा आवाज़ आया, दौड़ती हुई आई तो भाई साहब बीटू तो यहीं पे तहलका मचा के रखा है। भाई नगर ना थे नाना को स्कूल को, क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ भाई साहब। मुझे लगा ये कविता भौजू के साथ गया, इसीलिए मैं तो आराम से बैठी हुई थी, काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और महाशय तो यहीं पे है अभी। भाई लो मिलो
thousand years later. Hello guys. Hello guys. So मैं आप लोगों को afternoon से सीधा अभी रात को मिल रही हूँ, क्योंकि रात दिन को जो है ना afternoon में इतना ज़्यादा busy हो गई थी guests के वजह से. उन लोग को खाना सर्व करना, हमारे पूरे जो रिलेटिव्स हैं, संतान हैं, वो सब लोग आए थे. तो खाना सर्व करते हुए, बर्तन साफ़ सफाई, घर साफ सफाई करते करते बहुत लेट हो गया था, बहुत थक भी गई थी. और अभी 11 o'clock होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग को डे टाइम में नहीं मिल पाई. सो आप लोग को सीधा अभी नाइट में मिल रही हूँ. मुझे पता भी नहीं था मम्मा व्लॉग कर रही है, मुझे अभी बोल रही, मैं तो जैसे लेट ही हुई थी. सो या गाइस, और आज का जो है बप्पा ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टेंस थी ना खाना बनाने के लिए. खाना बनाने के लिए टेंशन नहीं था मुझे, बस यही था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं टाइम में, सर्व कर पाऊँगी नहीं, खाना पकेगा कि नहीं टाइम में, लेट हो जाऊँगी, तो यही मुझे टेंशन था. तो थैंक गॉड बप्पा ने जो है मेरा साथ दिया. तो योगेश भाई कहाँ से आया और उसने मेरा हेल्प किया, और साथ में कविता बाऊजू, संध्या बाऊजू, वो तीनों जो है ना मेरे लिए जो है आज भगवान के रूप में आए, और तीनों ने मुझे इतना हेल्प किया, और थैंक यू सो मच आप तीनों को. और ये तीनों ने जो है मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया, और सब कुछ जो है परफेक्ट हुआ. संध्या बाऊजू ने कुकिंग में हेल्प किया, कविता बाऊजू ने, तो सब कुछ अच्छे से गया, और सब कुछ इतना टेस्टी था. और जो भी मतलब सोचा था वो सब कुछ पूरा हो गया, टाइम में सर्व कर पाई, और सब लोग अच्छे से खाना खा के यहाँ से चले गए. और मैं बड़े पापा को देखने अभी तक मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि आज इतना ज़्यादा मेरा टाइट शेड्यूल था, तो इसके लिए मैं कल जाऊँगी सुबह को मिलने के लिए. और वैसे भी आज बड़े पापा के घर में इतना ज़्यादा गेस्ट है, तो शायद वो लोग भी थक गए होंगे, क्योंकि होता है ना घर में अगर कोई बीमार होता है तो घर के लोग भी तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. गेस्ट आते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो थक जाते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, वो लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो कल मैं सुबह जाऊँगी. सो या गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच and thank you so much for always supporting my channel, giving so much love to my channel. इसी तरह आप लोग प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. See you in the next video. Till then, keep watching. Ohan Ali. Bye. Sangye.